नमस्कार, बोल के आजाद है तेरे बोल में। आज इन दो मुद्दों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राम भक्तों की परवाह है? कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है और अयोध्या में 25 मार्च को 10 लाख लोग पहुंचने वाले हैं। वहां की चीफ मेडिकल ऑफिसर लगातार चेतावनी दे रहे हैं मगर योगी सरकार नहीं सुन रही है। यही नहीं, ईदगाह के अंदर दिल्ली दंगों से बेदखल हुए लोग सैकड़ों की तादाद में पड़े हुए हैं। कोरोना वायरस का खतरा उन पर भी है। और मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि शाहीन बाग के जो आयोजक हैं वो आखिर क्यों इतना जिद्दी बन गए हैं कि वो आंदोलन को स्थगित करने को राजी नहीं है जबकि कोरोना वायरस का खतरा है। मुद्दा नंबर दो जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो ये कि मध्य प्रदेश का संकट बहुत जबरदस्त मोड़ पर है। अदालत में जिरह चल रही है, अहम आदेश वहां पर सामने उभर कर आया है और दिग्विजय सिंह का बेंगलुरु में ड्रामा। मगर आगाज हम करना चाहेंगे कोरोना वायरस और हमारे हुक्मरानों का असंवेदनशील रवैया। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल ज़बान अब तक तेरी है। हम सब इस वक्त शाहीन बाग को मशवरा दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आप आंदोलन को स्थगित कीजिए। बंद करने के लिए कोई नहीं कह रहा है, स्थगित कीजिए क्योंकि कोरोना वायरस का असल खतरा बना हुआ है। मगर कुछ आयोजकों ने, और ये इक्का दुक्का लोग हैं जिन्होंने जिद पकड़ ली है कि नहीं साहब, हम बंद नहीं करेंगे, हम वहां की माताओं बहनों और बच्चों की जान जोखिम में डालेंगे क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस उन जगहों पर फैल सकता है जहां पर भीड़ है, जहां पर साफ सफाई की दिक्कतें हैं, और जहां भीड़ होती है ये दिक्कतें वहां जरूर पेश आती हैं। आप भी जानते हैं कि इसको लेकर मेरी अपनी एक राय रही है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, दिल्ली की ईदगाह की है। इन कैंप्स के अंदर सैकड़ों की तादाद में कई लोग रह रहे हैं जो कि दंगों से बेदखल हो गए थे। आज ये लोग इन कैंप्स में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई चॉइस नहीं है, ये अपनी खुशी से यहां नहीं रह रहे हैं। मगर इन कैंप्स में जहां साफ सफाई का कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, उन्हें भी कोरोना वायरस का खतरा सता रहा है। आज ये जनता पूरी तरह से बेबस है क्योंकि या तो कहीं ना कहीं वो सियासत का शिकार हैं या उनके हुक्मरान उन्हें भूल गए हैं। चलिए, ये दो मिसालें तो हैं सामने, मगर अयोध्या, आज एक सीधा सवाल मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, और इसे आलोचना के तौर पर मत लीजिएगा योगी जी, क्योंकि आप खुद को एक धर्म का व्यक्ति बताते हैं, आपको लोग महाराज के तौर पर जानते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक ऐसे वक्त जब कोरोना वायरस के तीसरे या चौथे फेज में भारत प्रवेश कर रहा है, तो अब तक आपने अयोध्या के अंदर जो रामनवमी मेला हो रहा है उसे कैंसिल क्यों नहीं किया? आपके सामने दोस्तों ये स्क्रीनशॉट जिसमें वहां के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं अयोध्या के घनश्याम, वो क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ अयोध्या हैड आस्क्ड द गवर्नमेंट टू कैंसिल द इवेंट इन द व्यू ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। वी सिंपली डू नॉट हैव द नेसेसरी रिसोर्सेज टू स्क्रीन सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, CMO घनश्याम सिंह सेड। यहां के चीफ मेडिकल ऑफिसर कह रहे हैं कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम लाखों लोगों की जांच कर सकें, खासकर जो लोग मेले में प्रवेश कर रहे होंगे। मगर धर्मगुरु क्या कह रहे हैं कि राम भक्तों को कुछ नहीं हो सकता। मैंने योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन से बात की और मैंने उनके सामने दो सवाल रखे। पहला सवाल यह कि क्या आपने चीफ मेडिकल ऑफिसर जो उन्होंने सलाह दी थी, क्या उसे आपने नजरअंदाज किया? नंबर एक। नंबर दो, क्या यह मेला जो है वो स्थगित होगा, मुलतवी होगा? क्या कहा, आप खुद सुनिए। वैश्विक महामारी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन देश की जनता का किया है, उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी अयोध्या के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया है कि अयोध्या में भी किसी प्रकार से भी जो गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन हो। जिलाधिकारी अयोध्या पूरी शिद्दत के साथ में ये सुनिश्चित कर रहे हैं, उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि जो कोरोना को लेकर जो चिंता देशवासियों को है, उस चिंता के साथ में अयोध्या के
संपूर्ण अयोध्या भी जुड़े। आप जानते हैं कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज चैनल में एक पत्रकार को जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर कुछ लोगों से बात करते सुना और वो पत्रकार उनसे ये कह रहा था कि देखिए आप इतनी ज्यादा भीड़ में क्यों जमा हैं, क्या आपको नहीं लगता कि भीड़ कम होनी चाहिए। तो उसमें से एक शख्स ने कहा कि साहब हम पर तो अल्लाह का करम है, हमें कोई कोरोना वायरस नहीं हो सकता। बिल्कुल यही सोच उन धर्मगुरुओं की है जो कह रहे हैं कि साहब हम तो राम भक्त हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। एक अल्लाह मियां के गधे हैं और दूसरे रामलला के मूर्ख, और ये दोनों एक तरह से न सिर्फ आपको बल्कि खुद मूर्ख यहां बनते जा रहे हैं, खुद जान के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। चाहे ईदगाह हो, चाहे शाहीन बाग हो, या फिर अयोध्या में ये मेला, ये तीनों ही मिसालें हमारे सामने उभर कर आ रही हैं। हालात अलग अलग हैं मगर तीनों ही जगह हम देख रहे हैं कि आम जनता की जान के साथ खिलवाड़, जिसकी मैं कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं। सबसे दुख की बात यह है कि कोरोना को लेकर जो मजाक बनाया जा रहा है खासकर मीडिया की तरफ से, क्योंकि मीडिया का काम होता है कि इन मुद्दों पर एक गंभीर संवाद कायम करे। अब इस न्यूज चैनल का स्क्रीनशॉट देखिए, टीवी पर पहली बार जिंदा कोरोना, कोई शब्द नहीं रह जाते हैं। ये देखिए, दुनिया ने माना कोरोना से लड़ाई मोदी है तो मुमकिन है। मैं यही सोच रहा था कि वो कब मौका आएगा जब कोरोना में हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान या मोदी भक्ति प्रवेश हो जाएगी, और ये उसकी मिसाल है। बात यहां नहीं रुकती। एक तरफ जहां हम सीधे तौर पर देख रहे हैं कि राम भक्तों की जान के साथ योगी सरकार खिलवाड़ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ देखिए हमारी इज्जत की किस तरह से बखिया उधेड़ी जा रही है। कुछ दिनों पहले यह पार्टी हुई, अखिल भारत हिंदू महासभा ने गौमूत्र पार्टी की, यह दावा किया कि गौमूत्र से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। मुझे किसी ने कहा था ये 200-300 लोग जमा हुए हैं, आप इन्हें क्यों अहमियत दे रहे हैं। बिल्कुल हमें कतई अहमियत नहीं देनी चाहिए, मगर ये इंटरनेट का जमाना है, ग्लोबल विलेज का जमाना है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज की तारीख में ये लोग जो एक जमाने में समाज के हाशिए पर थे, ये मुख्य धारा हो गया है हमारी मीडिया की वजह से। इसलिए ये जब इस तरह की पार्टीज करते हैं तो देश का नाम बदनाम होता है, और देश का नाम बदनाम तो एक अलग चीज है। अब जो मैं आपको दिखाने वा रहा हूं ना, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ये न्यूज चैनल ये दावा कर रहा है कोरोना की मौत मरेगा पाकिस्तान। वाकई इसमें पत्रकारिता कोई भी नहीं है, इन्होंने अपने अंदर के इंसान को, इंसानियत को खत्म कर दिया है। कोरोना की मौत मरेगा पाकिस्तान, आपकी दुश्मनी पाकिस्तानी स्टेट से हो सकती है? आप पाकिस्तानी स्टेट की आलोचना कर सकते हैं, आपकी दुश्मनी वहां की जनता से कैसे हो सकती है कि आप यह कहें कि कोरोना की मौत मरेगा पाकिस्तान। मैं जानता हूं इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले जो नफरती चिंटू हैं, वो ये कहेंगे कि देखो साहब पाकिस्तान भी तो हमारे बारे में इतना उल्टा सीधा बोलता है। देखा, ये सोच आपको पाकिस्तान के स्तर पर ले आई है। मैं नहीं जानता हूं पाकिस्तान ऐसा कहता भी है कि नहीं, मगर यह सोच आपको वहां ले आई है। ये आपकी सोच को इस हद तक ले आए हैं कि आप नफरत में इस कदर सराबोर हो जाएं कि आप उससे निकले ना। यहां पर पाकिस्तान का मजाक नहीं उड़ रहा है, मजाक हमारा उड़ रहा है। यह बता रहा है कि हम किस हद तक गिर सकते हैं, और यह न्यूज चैनल्स या एक खास पॉलिटिकल सोच इस तरह से हमें रसातल में ढकेल रही है। आप और हम सबको शर्म आनी चाहिए। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी ड्रामे की। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान जारी है और अदालत में कांग्रेस की तरफ से दुष्यंत दवे ने आज कुछ अहम बातें की। दुष्यंत दवे ने जो बातें की आपके स्क्रीन पर, कांग्रेस की ओर से वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि आज हम एक अजीबोगरीब हालात में हैं। राज्य की जनता ने कांग्रेस पार्टी 114 सीटों के साथ उन पर भरोसा किया और भाजपा ने 109 सीटें जीती। सबसे बड़ी पार्टी ने उस दिन विश्वास मत जीता था। 18 महीने से बहुत ही स्थिर सरकार काम कर रही थी। कांग्रेस ने आगे कहा, स्पीकर को यह देखना होगा कि इस्तीफे स्वैच्छिक हैं या नहीं।
दवे ने आगे कहा, विधायकों को अगवा किया गया है, राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का जो आदेश भेजा वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। दवे कांग्रेस की तरफ से आगे ये भी कहते हैं, ये साधारण फ्लोर टेस्ट का सवाल नहीं है बल्कि बाहुबल और धन शक्ति का उपयोग करके लोकतंत्र को नष्ट करने का सवाल है। मामला यहां नहीं रुक रहा है। मध्य प्रदेश आखिरकार पहुंच गए वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और उन्होंने उस रिजॉर्ट में प्रवेश करने की कोशिश की जहां पर कांग्रेस के बागी विधायकों को रखा गया है। इससे पहले कि मैं तस्वीर बताऊं, मैं दिग्विजय सिंह से कुछ कहना चाहूंगा। दिग्विजय जी, अगर आपने और कमलनाथ ने इस मुद्दे पर पहले ध्यान दिया होता ना, जब आप लोग अपनी सक्री और सेल्फिश सियासत ना खेल रहे होते तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से दिग्विजय जी धरने पर बैठ गए और पुलिस उन्हें किस तरह से उठा के ले जा रही है। ये तरीका गलत है, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। देखा आपने। और उसके बाद दिग्विजय रूबरू हुए पत्रकारों से भी और उन्होंने वो तमाम आरोप लगाए जो लगातार कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी पर लगा रही है। भाजपा पूरे तरीके से उनको बंदी बनाया हुआ है, उनसे जबरदस्ती बयान दिलवाए जा रहे हैं। जब वो बयान देते तो पीछे से भाजपा के लोग उनको कहते हैं ये बोलिए, ये पता नहीं कौन सा दबाव उनके ऊपर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर, उनको कुछ पैसे का ऑफर किया वो लोगों ने? कुछ पैसे का ऑफर तो सबको कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस के MLAs के कई जो बाहर हैं उनको भी कर रहे हैं, 25 करोड़ ले लो, 30 करोड़ ले लो, आ जाओ। मध्य प्रदेश में आखिरकार सरकार बचेगी या नहीं ये अलग मुद्दा है, मगर कमलनाथ की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह से 26 तारीख तक का उन्हें वक्त मिल जाए और अगर यह वक्त मिल जाता है तो इस दौरान कई जो कांग्रेसी विधायक हैं जो पाला पार कर गए थे वो वापस आ जाएंगे। सियासत दिलचस्प है, मगर वो एक व्हाट्सएप पे एक मजाक चलता है ना कि बीजेपी कहती है कि चुनाव जो भी जीते सरकार तो हम भी बनाएंगे। वाकई अगर कमलनाथ की सरकार गिर जाती है ना तो आने वाले दिनों में ये एक बहुत ही खराब मिसाल साबित होगी। फिर राजस्थान खतरे में आ जाएगा, झारखंड खतरे में आ जाएगा, छत्तीसगढ़ खतरे में आ जाएगा और लोकतंत्र तो खैर आप भी जानते हैं वहां क्या हालात हैं। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।